नमस्कार। मेवाड़ जब जब जिक्र आता है, ये शब्द हमारे सामने आता है, तो मेवाड़ के साथ एक शख्सियत अपने आप उभर कर आ जाती है और वो नाम होता है महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप हमारे कीका, इनके संघर्षों की जो तमाम कहानियाँ हैं वो अपने आप में अद्भुत है और उन संघर्षों का ही परिणाम है, उन संघर्षों की ही बदौलत आज भी मेवाड़ के हर एक कण कण में स्वाभिमान की कहानियाँ हैं। यहाँ से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को बड़े सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, मगर कभी कभी कुछ चीज़ें बड़ी ही अजीबोगरीब लगती है। अजीब ये लगता है कि उन्हीं महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़, आज भी उस कुंभलगढ़ दुर्ग में एक भव्यतम महाराणा प्रताप की प्रतिमा का इंतज़ार कर रही है। दुर्भाग्य इस बात का भी लगता है कि महाराणा प्रताप की कर्मस्थली और जन्मस्थली का जिला मुख्यालय राजसमंद आज भी महाराणा प्रताप की एक भव्य प्रतिमा का इंतज़ार कर रहा है। और ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति उस स्वरूप में दिखाई नहीं देती है, तो ये चीज़ें धरातल पर आती नहीं है। मगर नाथ द्वारा इस मायने में भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि मेवाड़ की माटी से जुड़ा हुआ सबसे शानदार, सबसे स्वाभिमानी चेहरा महाराणा प्रताप, अब उनकी एक भव्यतम प्रतिमा यहाँ बन चुकी है, अनावरण के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जितना कार्यक्रम हमें बताया गया है, 22 मई को महाराणा प्रताप जयंती है और 23 मई को इस प्रतिमा का अनावरण राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी के माध्यम से किया जाएगा। और ये जो पूरी कवायदें होती है, ये जो एक नया मार्ग बना है जिसकी बड़ी लंबी चौड़ी चर्चाएं होती है, बड़े खूबसूरत तरीके से ये रास्ते बनाए गए हैं, गौरवपथ बनाए गए हैं, ये गौरवपथ से लेकर स्वाभिमान के सबसे बड़े प्रतीक, मेवाड़ की माटी के सबसे प्रिय सुपुत्र महाराणा प्रताप के यहाँ तक आने की पूरी जो कवायदे हैं, इसमें भी जो सीधा सीधा सर्वाधिक योगदान डॉक्टर सीपी जोशी का है, वो यहाँ से विधायक भी है, तो यकीनन उनके माध्यम से ये जो एक संकल्प को साकार किया गया है, ये अपने आप में यहाँ आकर एक अद्भुत अनुभूति हो रही है। और प्रतिमा का जो स्वरूप रहने वाला है, जो अभी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है, हालाँकि अभी प्रतिमा ढकी हुई है, मगर 3800 किलो का ये वज़न बताया जा रहा है इस प्रतिमा का, 3800 किलो वजनी ये प्रतिमा रहेगी। अश्वारूढ़ महाराणा प्रताप इस प्रतिमा पर विराजे हुए हैं और साथ ही जो प्रतिमा की हाइट बताई जा रही है वो 14 फीट बताई जा रही है, उसके अलावा 12 फीट इसके जो प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट बताई जा रही है। तो इस प्रकार से ये एक बड़ा ही क्या कहते हैं विशालतम और भव्यतम स्वरूप में प्रतिमा यहाँ लगने वाली है। बताया ये भी जा रहा है कि कोशिश इस बात की भी जारी है कि मेवाड़ राज घराने से लक्ष्यराज सिंह को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, हो सकता है वो भी 23 तारीख को इस अनावरण कार्यक्रम में रहेंगे। मगर ये अपने आप में एक सुखद अनुभूति है कि नाथद्वारा के इस खूबसूरत चौराहे पर यहाँ किसी के मन में अभी ये टीस नहीं है कि यहाँ महाराणा प्रताप का कोई एक भव्यतम स्वरूप नहीं दिखाई देता है। हालाँकि कोशिश ये भी की जानी चाहिए कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली और कर्मस्थली जिस जिला मुख्यालय से जुड़ी हुई है, राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी ऐसा ही एक पल आए, ऐसा ही एक पल कुंभलगढ़ के उस दुर्ग पर भी देखा जाए। मगर आज ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो एक सुखद अनुभूतियाँ आप लोगों तक आ रही है, उन अनुभूतियों को राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आप तक पहुँचाएं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।